आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, महाराज भगवान का एक नाम है भिक्षु वर, और भिक्षु वर अवतार की कथा कल चल रही थी। भगवान शंकर जब सत्यारथ के मर जाने के बाद उसकी धर्म पत्नी गर्भ से थी और वह धर्म पत्नी भी बच्चे को जन्म देकर घाट पर छोड़कर जब पानी पीने के लिए गई तो घड़ियाल ने, मगर ने उसको पकड़ लिया और वो धर्म पत्नी भी मर गई। पार्वती जी के मन में संशय आ गया था, पार्वती जी के मन में संशय प्रकट हो गया था कि ये शंकर भगवान की उपासना करता है, ये शिव का भजन करता है, राजा सत्यारथ शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, राजा सत्यारथ भगवान शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना करता है, उसके बाद भी इसके प्राण छूट गए, इसकी धर्म पत्नी वो भी भगवत भजन में डूबी रहती है, उसके प्राण छूट गए, इसकी राज सत्ता चली गई, उसका वैभव चले गया, उसका बच्चा नदी के घाट पर पड़ा हुआ है। शिवजी के सामने प्रश्न का अंबार था, भगवान शंकर के सामने ढेर प्रश्न थे। शिव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता है। दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी भरोसा, अपनी दृढ़ता शंकर के चरणों में रखता है, शिव के चरण। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा है, तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी, उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया, शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा, ये तो होना नहीं चाहिए था, ये दुख कैसे आया? ये कष्ट कैसे आया, ये तकलीफ कैसे आई? शिव जी ने कहा, पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया जलाशय में। पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी, इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जा, मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जा, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है, वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, और तुम्हारे
कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज